नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक। चिन्मयानंद केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इस बार फिर उन्नाव मामले के बाद एक और भाजपाई नेता के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिस वजह से ये केस चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच हमारे रिपोर्टर हर्ष शर्मा जनता के बीच गए और जनता के बीच उन्होंने जब ये मामला सामने रखा तब लोग इस मामले को लेकर खुलकर बोलने को राजी नहीं हुए, लेकिन जो लोग इस मामले को लेकर बोले उन्होंने बीजेपी को खूब लताड़ा। तो आइए देखते हैं पहले हमारे इस खास रिपोर्ट को। और अगर चिन्मयानंद का जो रेप केस मामला चल रहा है लगातार, उस पर भाजपा सरकार की तरफ से कोई भी अभी कदम नहीं उठाया गया। योगी सरकार ने, उनकी पार्टी में रह चुका है वो, अपनी पार्टी की बुराई तो कोई नहीं करेगा। लेकिन पूर्व गृह मंत्री है तो एक रेपिस्ट भी है, रेपिस्ट के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जनता को उठानी चाहिए। पहले कुलदीप सेंगर आए भाजपा की तरफ से, वो भी उन्नाव मामला, और उसके बाद अब ये एक और सबसे बड़ा मामला उठ चुका है चिन्मयानंद रेप केस। नहीं, उठाना चाहिए, पब्लिक का मुद्दा उठाना चाहिए, पर वही है ना, मीडिया ज्यादातर बीजेपी के साथ है, देख के अनदेखा कर देती है मीडिया। तो कुल मिलाकर ये मामला इसी वजह से सामने नहीं आ रहा है क्योंकि योगी सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। वहीं अगर बात करी जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर आवाज उठा रही है कि इस मामले को कौन उठा रहा है। प्रियंका गांधी लगातार बोल देती है, कुछ भी बोल देती है, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं चिन्मयानंद रेप केस को अगर आगे बढ़ाया जाए, उस पर उन पर कदम उठाए जाए, तो वो गलत कह रही है। नहीं, गलत तो नहीं कह रही, पर आवाज़ नहीं उठा रहे ना वो, जिस तरीके से आवाज़ उठनी चाहिए नहीं उठा रहे वो आवाज़, तो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। अगर अच्छा विपक्ष होता तो वो कर पाती, उनके पास वैल्यू नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे चिन्मयानंद रेप केस के मामले में? रेप केस के मामले में यही बोलना चाहता हूँ कि हर आवाम को जो है इसकी आवाज़ उठानी चाहिए और इसका जो है प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि जो है ये बहुत बड़ा मामला है और ये बीजेपी सरकार के अंदर जो है ये आम तौर से ऐसा जो है से देखा गया है ये रेप केस का मामला, और ज़्यादातर जो है उसी के नेते से जो है ये मामला आती है। क्या ऐसे पढ़ेंगी बेटी, ऐसे बचेंगी बेटी? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरा ये लॉ कॉलेज की बेटी है वो, और वहाँ पे भी इस तरीके का मामला देखा गया बीजेपी का होम मिनिस्टर, पूर्व होम मिनिस्टर। अब ये देखो, जितने भी आजकल 60% लगा लो, अब साधु संत महाराज जो भी हैं जिनके क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, अपने आश्रम खोल के बैठ जाते हैं, पब्लिक तो बेवकूफ़ है ही, वो अपना पूरा काम काज छोड़ के संतों के पीछे लग जाते हैं वो, ठीक है, उनको संत वो पब्लिक बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। और पार्टी जब कोई भी सत्ता में आने वाली होती जाती है तो ज़्यादातर ऋषि मुनि इनके पास ही जाते हैं। लेकिन अगर पूर्व गृह मंत्री हैं, एक तरफ देखा जाए वो इस तरीके से काम करेंगे, रेप करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेटी तो असुरक्षित है। वो तो है ही, बेटी तो असुरक्षित। तो इस तरीके से अब भाजपा को सामने आकर इस पर सख्त कदम नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए, उसको रेप के मामले में उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए गृह मंत्री को। सर, आपके हिसाब से किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए चिन्मयानंद? सजा तो उसको फांसी की ही मिलनी चाहिए, इसलिए कि हमारे जो है हिंदुस्तान में सबसे आला दर्जा दिया गया है बेटियों का, और आज जो है हिंदुस्तान के अंदर में बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो है हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी जो है सुरक्षित रहे, कहीं भी जाए आए कोई ऐसी बात ना हो, ना कोई घटना घटे, इसके लिए जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। और अगर बात करी जाए चिन्मयानंद रेप के लगातार मामला उठ रहा है, उसमें मोदी सरकार कोई कदम नहीं उठा। इस बाबा हुआ के चक्कर में हमें मत पड़ो, बाबा को रहने दो अपने जगह पे, हम मजदूर आदमी हैं, कमाने खाने दो। आपके हिसाब से चिन्मयानंद रेप केस के मामले में बोलना चाहेंगे आप? चिन्मयानंद रेप केस लगातार मामला उठ रहा है, वो तो बाबा भाई जाने, भाई बन जो अगरबत्ती फेंकता है कि धूपबत्ती फेंकता है उसको, उससे बात करो ना उनसे। तो योगी सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है उसके खिलाफ? मोदी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? अभी तो कहाँ, बाबा के अंदर तो दादी रखा है। सर, आप बोलना चाहेंगे चिन्मयानंद रेप केस के बारे में? कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो अगर मोदी सरकार की बात करी जाए तो कोई कदम नहीं उठाएगी? नेवर। तो अगर कुलदीप सेंगर का भी ऐसी आया था, भाजपा में लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है, क्या ये सिर्फ नारा ही रह गया? ऑफिशियल और अनऑफिशियल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ऑन डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अनऑफिशियल कुछ नहीं होता। और अगर चिन्मयानंद रेप केस के बारे में बात करना चाहेंगे, योगी सरकार जो लगातार कदम नहीं उठाया, वो से बोलने वाली बात है, टंडा कोई भी नहीं चाहता। और ये
तो अपने मंत्री के खिलाफ सवाल नहीं उठाना चाहिए। पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोग राज्य आते हैं, फिर वो अपने आप दो दिन बाद पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पे चिन्मयनंद पे कोई सवाल नहीं उठाएगी मोदी सरकार? मेरे हिसाब से तो नहीं उठाएगी। तो बेटी के लिए जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चलता है नारा, वो सिर्फ नारा ही रह गया? ये बस अभी रेप केस अभी आया है, दो दिन इसकी बात होगी, फिर दो दिन बाद अपने आप बंद हो जा रही है, खुद ही बंद कर दिया जाएगा ये रेप केस भी बाकी रेप केस की तरह। सर आपके हिसाब से अगर चिन्मयनंद रेप केस के बारे में बात करी जाए तो रेप केस का पता ही नहीं है तो मैंने क्या करना? भाजपा का नेता है, उसके पूर्व गृह मंत्री है भाजपा का, तो उसके ऊपर रेप का आरोप लगा है तो बंद करो, कैद करो, बिल्कुल कोई भी हो उसमें क्या हो गया। लेकिन भाजपा सरकार लगातार उस पर कदम नहीं उठा रही है। कुलदीप सेंगर का उन्नाव केस मामला आया था, उस पर भी काफी दिन बाद कदम उठाया गया, और अब ये भाजपा के नेताओं पर लगातार मामले उठ रहे हैं। जो भी सरकार का हो, किसी भी सरकार का हो, जिसने ऐसा काम किया उसे बंद करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन भाजपा सरकार तो कदम ही नहीं उठा रही है इसको। अब उसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो बात के हिसाब से कदम उठाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए जी, बिल्कुल उठाना चाहिए। सिर्फ बोला जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ आज तक क्या है? मोदी सरकार ने हमें दिया क्या है आज तक? नोटबंदी, GST और भी बहुत सारे बेकार की चीज़ें हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है? और अगर मंदी की बात करी जाए तो मंदी पे कैसा काम? मंदी भाई कुछ बचा ही नहीं है काम करने, आपके सामने खाली बैठे हैं, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप ओनली। कुछ काम नहीं करा है मोदी सरकार ने, सिर्फ अर्थव्यवस्था डुबाई है मोदी सरकार। देखो GDP तो जो ग्राउंड क्लैरिटी है वो GDP तो जीरो है, सबको ही जानते हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता बिकॉज अंधभक्ति इज ऑलवेज अप। तो सर आपके हिसाब से कैसा काम किया अर्थव्यवस्था? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, मतलब GDP बिल्कुल जीरो चल रही है इंडिया की, और अब तक कोई फैसिलिटी मिली नहीं है, मार्केट बिल्कुल डाउन कर रखी है, जो मेन मार्केट की वजह से GDP बढ़ती है वही पूरी डाउन है, तो कहाँ से GDP इंडिया की बढ़ेगी आगे। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता क्या कहती है भाजपा और चिन्मयानंद के लिए, आखिर क्या है चिन्मयानंद मामला ये जानना भी जरूरी है, तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है चिन्मयानंद का मामला। पूर्व सांसद और केंद्र की वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके चिन्मयानंद पर शाहजहांपुर के एक SS लॉ कॉलेज से LLM की पढ़ाई कर रही छात्रा ने 24 अगस्त को फेसबुक पर एक वीडियो वायरल कर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, इसके बाद वो लापता हो गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने 30 अगस्त को राजस्थान के अलवर से पीड़िता को खोज निकाला। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT जांच का आदेश दिया है। सोमवार को पीड़िता का 164 के तहत बयान भी दर्ज हो चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा सरकार कब जागेगी, कब इस लड़की को इंसाफ मिलेगा या इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि विपक्ष के बार बार चिल्लाने के बाद भी अभी तक मोदी सरकार ने सख्त कदम नहीं उठाया है। कब चिन्मयानंद के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी, एक बड़ा सवाल। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं भाजपा सरकार के लिए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।